नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो हमारी परीक्षाएं कब होगी, हमारी परीक्षाएं कब होगी, हमारा टाइम टेबल कब आएगा, हमारी परीक्षाओं की डेट कब जारी होगी। जितने भी राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बना चुका हूँ, इसको लेकर मैंने काफ़ी वीडियो बना भी दिए हैं कि आपका एग्ज़ाम जो डेट है वो कब तक घोषित हो सकती है, एग्ज़ाम में टाइम टेबल कब तक जारी हो सकता है। लेकिन मैं जो भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब कुछ गलत होता जा रहा है, और उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, उसमें गलती है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस चीज़ में काफ़ी लापरवाही बरत रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ डेट बताने वाला हूँ कि किस डेट तक आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो सकती है। देखो, यहाँ पर भी मैं संभावित डेट ही बता सकता हूँ, कन्फर्म तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कोशिश की है और जो भी मैंने कोशिश की है वो सब कुछ गलत ही रहा है। क्योंकि आप सभी को भी पता था, लगभग आप सभी को पता था कि आपकी परीक्षाएं 15 मई तक या 10 मई के बाद में स्टार्ट हो सकती है, लेकिन आप सभी का जो आशा लगाना था वो सब कुछ गलत हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो राजस्थान पुलिस की परीक्षा स्टार्ट हो रही है 13 मई से 16 मई तक, 16-17 मई तक। तो तब तक तो आप भूल जाइए कि आपकी परीक्षाओं की डेट घोषित होगी। उसके बाद डेट रहती है 20 मई 25 मई। तो देखिए, यहाँ पर मैं 20 मई की भी बात नहीं करने वाला हूँ। अगर आपका एग्जाम होता है 20 मई से, आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, तो आपको 1 या 2 दिन में लास्ट, यानी मतलब कि आज से 3 मई हो गई है, कल तक पता लग जाएगा। अगर कल तक कोई डेट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप 20 मई को भी भूल जाइए प्रॉपर रूप से। उसके बाद बात करें 25 मई की, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहूंगा, देखो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी परीक्षाएं मई में हो सकती है, मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जून महीने में स्टार्ट हो सकती है। बाकी राय अपनी कमेंट बॉक्स में बताना, आपको क्या लगता है कि जून महीने में होगी या मई के लास्ट वीक में हो सकती है। बाकी देखो, संभावित डेट तो यही लग रही है कि 25 मई तक स्टार्ट हो सकती है, बाकी मुझे ये लग रहा है कि जून में स्टार्ट होगी, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए आपको टाइम भी देना जरूरी होता है यूनिवर्सिटी को। क्योंकि अगर आपको जैसे मतलब कि आपकी पर आज का दिन है, जैसे आज 3 मई है, उसी के बाद 20 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको टाइम कितना दिया जा रहा है, क्योंकि उसी टाइम में आपका एग्जाम टाइम टेबल भी जारी होगा, उसी टाइम में आपका एडमिट कार्ड भी जारी होगा, उसी टाइम में आपको प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो इसीलिए आप सभी छात्रों को मैं बोल रहा हूँ, देखिए टाइम भी जरूरी होता है परीक्षाओं की प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए यूनिवर्सिटी आपकी परीक्षाएं लेट ही जारी करवाएगी। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें जो गलती है, सबसे बड़ी गलती है वो यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए कि जो छात्र हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर विचलित हो रहे हैं, छात्रों को परेशानियां काफ़ी उठानी पड़ रही है, उनको जो नेक्स्ट सेशन है उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, साथ में अपने एग्जाम की भी तैयारियाँ करनी है। तो इसी को लेकर आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 25 मई के बाद में ही स्टार्ट होने वाली है, बाकी कल पता लग जाएगा। अगर डेट आती है 20 मई से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कंफर्म ये है कि 25 मई के बाद में स्टार्ट होगी। और मुझे जहां तक लग रहा है दोस्तों, यहां पर देखो जैसे सूत्र आ रहे हैं, सूत्रों के हिसाब से तो मैं ये बता रहा हूं कि 25 मई के बाद में स्टार्ट होगी, और मुझे ये लग रहा है कि आपकी परीक्षाएं जून में ही होने वाली है, क्योंकि अब तक अगर होती तो डेट आपको देखने को मिल जाती है। जैसे बात करें जेएनयू की, तो जेएनयू ने कल ही टाइम टेबल जारी किया है जिसकी परीक्षाएं 20 मई से स्टार्ट हो रही है, तो आप उस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कम से कम स्टूडेंट्स को 15 से 20 दिन का या उससे ज्यादा, यानी कि 25 दिन का भी टाइम दिया जाता है परीक्षाओं की प्रिपरेशन को लेकर। तो लेकिन आपको अभी तक भी जो एग्जाम टाइम टेबल है, ना ही परीक्षाओं की डेट ही घोषित नहीं हुई है, टाइम टेबल तो बाद में जारी होगा, पहले परीक्षाओं की डेट घोषित होगी, उसके बाद आपका टाइम टेबल जारी होगा। फिलहाल आपका जो आपकी जो परीक्षाओं की डेट है वो भी घोषित नहीं की गई है। बाकी दोस्तों देखो, मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि मुझे तो लग रहा है कि आपकी परीक्षाएं जून में होने वाली है, बाकी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। देखिए कुछ भी, कई बार मैं भी खुद भी गलत हो जाता हूँ, लेकिन आप भी मुझे बताना। देखो आपने भी तो आशा लगाई होगी कि मेरी परीक्षाएं 20 मई से या 25 मई से होगी, तो उन आशाओं पर बिल्कुल एक तरह से पानी फिर गया, जैसे कि कई स्टूडेंट 10 मई 15 मई लगा रहे थे, उन पर सभी पर आशाओं पर पानी फिर गया है। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, आपको क्या लग रहा है कि आपकी परीक्षाओं की डेट कब से घोषित हो सकती है, आपका टाइम टेबल कब जारी होगा। बाकी देखो, टाइम टेबल को लेकर मैं बता देता हूँ,
कि जब भी आपकी परीक्षा की डेट घोषित होगी तो उसके एक या दो दिन बाद में ही आपका टाइम टेबल आ जाएगा। और एडमिट कार्ड का आप सभी को भली भांति से पता है कि एडमिट कार्ड जिस दिन से परीक्षा स्टार्ट होगी उससे 3 या 4 दिन पहले से ही जारी कर दिया जाएगा, या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या 3 या 4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। बाकी देखो, जितने भी आप मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप सभी अपनी पढ़ाई तो आप करते रहना। देखो, पढ़ाई जरूरी है, बाई चांस आप पढ़ाई को मत छोड़ देना, क्योंकि कई बार एग्जाम नहीं होते तो जो स्टूडेंट है उनके मन में अलग ही साइकोलॉजी चलती है कि मेरे एग्जाम नहीं होंगे, मुझे प्रमोट भी किया जा सकता है या एग्जाम कैंसिल होंगे। और ये भी सोचने लग जाते हैं कुछ स्टूडेंट कि ग्रीष्मकालीन अवकाश लग गया है 30 जून तक, तो हमारी परीक्षाएं भी कैंसिल हो सकती है। ऐसी गलतफहमी बिल्कुल मत पाल लेना, ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, बाद में पछताना पड़ सकता है इस चीज से। तो अपनी जो परीक्षाएं हैं उन पर ध्यान दीजिए। बाकी कोई भी अपडेट आती है छोटी से छोटी, वो तो मैं आपको भलीभांति से पता है कि वो मैं आपको सभी को प्रोवाइड कराता हूं इसी चैनल के माध्यम से। चैनल से जुड़ जाइए, रिक्वेस्ट है आप सभी छात्रों से, चैनल से जुड़ जाइए। लाल बटन नीचे दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जिससे कि वो सब्सक्राइब हो जाए। बाकी देखो, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, अगर मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपकी परीक्षाएं करवाने को लेकर, और थोड़ा बहुत समर्थन आप भी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप जो कुल अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पर जो आपके कुलपति है उनको ज्ञापन भी दीजिए और उनसे बोलिए कि हमारी जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन भी इससे प्रभावित होगा। एग्जाम परिणाम भी जारी होना है और परीक्षा की डेट भी जारी होनी है, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना, और बस आज के लिए इतना ही। और मैं आशा करूंगा जो नेक्स्ट अपडेट लेकर आऊं वो आपके टाइम टेबल को लेकर ही हो। ओके, गुड बाय। राय कमेंट, जो राय है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाना। ओके, गुड बाय।